ये कच्चे केले की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत स्वागत है। और चलिए आज बनाएंगे कच्चे केले का बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो पहले मसाला पीस लेते हैं। यह है एक प्याज, एक टमाटर, लहसुन, जीरा, मरीच, धनिया, पोस्ता दाना और ये सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च, सभी को पीस लीजिए। और मसाला को रखिए साइड में। अब इसको छील के काट लीजिए। अब इसको काट लीजिए। और ये फोर्क से इस तरह से इसमें छेद कर दीजिए। सभी पीस में इसी तरह से छेद कर दीजिए। अब इसमें डालिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और यह है सरसों तेल। और इसको अच्छे से मिलाइए। अब इसको डालिए तेल में और फ्राई कीजिए। इस तरह का इसको डीप फ्राई कर लीजिए। अब ये सबको भी डालिए।
अब इसी तेल में डालिए ये 1 तेज पत्ता, और ये है थोड़ा सा पचफोरन, इसमें ये पिसा हुआ मसाला, और इसी में डालिए हल्दी पाउडर, और इसको फ्राई करेंगे। ये मसाला फ्राई हो रहा है। अब लीजिए इसमें एक बर्तन में यह है 3-4 चम्मच दही, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ये कसूरी मेथी, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसी मसाला के साथ इसको मिला के और फ्राई करेंगे मसाला को। अब मसाला को फिर से अच्छे से फ्राई कीजिए। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। पानी और इसमें डालेंगे नमक, ढक के उबाल आने दीजिए, तब इसमें डालेंगे केला। अब इसमें डालिए ये फ्राई वाला केला, अब इसको ढक के 5-6 मिनट तक पकाएंगे। अब ये सब्जी पक के तैयार है। फ्लेम को कर दीजिए ऑफ।